हाय, मैं सोनिया हूँ विद्या गुरु से। वोकैबुलरी का सेशन स्टार्ट करने वाली हूँ। इंग्लिश वोकैबुलरी के 5 नए वर्ड्स अभी आप वोकैबुलरी एनहांस करेंगे मेरे साथ। 5 नए वर्ड सीखेंगे, कुछ ऑप्शन में नया वर्ड आएगा, मैं आपको सिखाऊंगी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कोशिश ये करूंगी कि सेंटेंस के थ्रू भी आपको समझाऊं जो वर्ड मैंने पढ़ाया। अगर वो वर्ड आपको डिफिकल्ट लग रहा है, मैं आपको सीधा बताऊं, कंटेक्चुअली जब आप पढ़ेंगे वो वर्ड याद हो जाएगा। अगर समझ में आ रहे हैं सारे वर्ड्स तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि लाइक दबाएंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और वीडियोस अपलोड करती रहूंगी। फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है इन वर्ड्स की। मैं आपको बता दूं, वर्ड्स ऐसा नहीं कि यही फिक्स वर्ड्स आने वाले हैं, लेकिन वर्ड्स आते हैं। ये सेशन हिंदी मीडियम में है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं सेशन को, तो आप दूसरा सेशन इंग्लिश मीडियम में अपलोड होगा, आप उसे देखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि इंग्लिश मीडियम का सेशन प्राइमरीली हम साउथ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बनाते हैं या नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के लिए बनाते हैं। तो अभी मूव कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशंस पहुंचेंगे नहीं हम नए वीडियोस डालेंगे तब उनका। एग्जाम रेलेवेंट है, पहला वर्ड स्नाकी है। स्नाकी से स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे देखिए, 4 ऑप्शंस देखिए। स्नाकी में से पहले रोक करके आप आंसर सोचिए क्या है। मीनिंग आपको देखना नहीं है, आपको अभी सिर्फ जो बोर्ड पे आ रहा है उसको देख करके सोचना है कि स्नाकी का मतलब क्या। आपने कभी स्नाकी वर्ड पढ़ा है तो स्नाकी का ऑप्शन फॉरबिडन, फैट, कूल, बाइटिंग क्या है। आंसर है बाइटिंग। बाइटिंग में यहाँ पर वो बाइट करने वाला बाइटिंग नहीं है, ये क्रिटिकल वाला स्नाकी है, किसी को क्रिटिसाइज करने वाला स्नाकी है। स्नाकी डज नॉट मीन वी आर एक्चुअली बाइटिंग समथिंग। बाइटिंग कॉमेंट है यहाँ पे, स्नाकी कॉमेंट है, जिससे आप आहत हो रहे हो, आप हर्ट हो रहे हो, वो स्नाकी कमेंट है। जैसे अगर मैं आपको सेंटेंस के थ्रू समझाऊं, अ मिस्चीवस, मिस्चीवस जिसको आप मिस्चीवियस बोलते हैं, मिस्चीवस स्टूडेंट एट द बैक ऑफ द क्लास केप्ट मेकिंग स्नाकी कमेंट्स। तो मिस्चीवस शैतान बच्चा है, एक क्लास में पीछे बैठा है और कर क्या रहा है, स्नाकी कमेंट्स कर रहा है। स्नाकी मतलब बाइटिंग कमेंट्स कर रहा है, बैठे बैठे ताने मारता जा रहा है, क्रिटिसाइज करता जा रहा है, क्रिटिकल कमेंट्स मार रहा है। तो स्नाकी कमेंट्स, स्नाकी रिमार्क्स, बाइटिंग होता है। आउट ऑफ दीज ऑप्शंस आंसर बाइटिंग आ चुका है। अगले वर्ड की तरफ अब जल्दी से बढ़ेंगे। अगला वर्ड है इनवेक्टिव। अगला वर्ड क्या है, इनवेक्टिव। ऑप्शन फिर आपने देखने हैं, पहले आपने आंसर मेरा नहीं सुनना है, आपने पहले आंसर बताना है। मैं सोच के चलूंगी कि आपको कितने वर्ड्स आते हैं, वो आप मेरे को कमेंट्स के अंदर बताओगे पहले कि आपको 0 वर्ड्स आते थे, आपको 5 में से 3 वर्ड्स आते थे, तो पहले कितने आते थे ये जरूर लिखिएगा, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ वोकैबुलरी आपकी किस लेवल की है। 4 ऑप्शन देखिए जल्दी से, कॉन्वर्सेशन है, विजिट है, अब्यूज है और कुकिंग है। चलिए आंसर सुनते हैं पहले। मीनिंग है इन्वेक्टिव का इंसल्टिंग, अब्यूजिव या फिर हाईली क्रिटिकल लैंग्वेज जो होती है, हम उसे कहते हैं इन्वेक्टिव। हम कह रहे हैं एक बड़ा अच्छा सा वर्ड है, वर्ड आपने सुना भी होगा, सबको पसंद आता है ऐसा वर्ड, वर्ड है विटुपरेशन। विटुपरेशन का मतलब क्या होता है, इन्वेक्टिव, अब्यूसिव, जो आपको हर्ट करेगा, जो आपके लिए इंसल्टिंग होगा, वो इन्वेक्टिव होता है। सेंटेंस के थ्रू समझते हैं, मैंने क्या कहा, इन्वेक्टिव का मतलब क्या था, इंसल्टिंग, इन्वेक्टिव, इंसल्टिंग या फिर अब्यूसिव। द न्यूज़पेपर्स इन्वेक्टिव, द न्यूज़पेपर्स इन्वेक्टिव ऑफ द नॉवल रियली मेड द ऑथर एंग्री। अब न्यूज़पेपर ने कुछ ऐसा अब्यूसिव या इंसल्टिंग नॉवल के बारे में लिखा जिससे ऑथर क्या हो गया है, एंग्री हो गया है। तो न्यूज़पेपर का कुछ क्रिटिकल लैंग्वेज की बात हो रही है, न्यूज़पेपर की जो इन्वेक्टिव, दैट मींस क्रिटिकल लैंग्वेज यूज्ड बाय द न्यूज़पेपर, वो नॉवल के लिए उन्होंने किया इस्तेमाल, और हमने क्या कहा, ऑथर इससे एंग्री हो गया। कैसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, इन्वेक्टिव लैंग्वेज का। अगला वर्ड देखिए जल्दी से, आंसर हमारा आ गया था ना, आंसर आपने आप समझ गए होंगे आंसर क्या था हमारा। नेक्स्ट वर्ड है ब्लोविएट। ब्लोविएट अब ऑप्शन देखिए, आस्क है, रन है, प्रिवेंट है या फिर रैंट है। रैंट का मतलब हम एंगर दिखा रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं, तो वो रैंट होता है। टॉक एट लेंथ, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप ब्लोविएट कर रहे हैं, टॉक एट लेंथ, ये मीनिंग है ब्लोविएट का। अगर हम कहें टॉक एट लेंथ स्पेशली इन एन इनफ्लेटेड और एम्प्टी वे, मतलब आप बड़ी बड़ा चढ़ा के जो बातें कर रहे हैं वो ब्लोविएट है, आप डीम मार रहे हैं वो ब्लोविएट है। टू स्पीक अ लॉट इन एन अनोइंग वे एज इफ यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, वही बात कि आप अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट दिखा रहे हैं, आप ब्लोविएट कर रहे हैं, हम वो वाले ब्लोविएट की बात कर रहे हैं। चलिए जरा एक बार सेंटेंस के थ्रू समझते हैं।
The chairman did not like to blow it and kept his conversations short and to the point. मतलब उसको जो चेयरमैन था उसको बड़ा चढ़ा करके कुछ उसने मतलब उसको पसंद नहीं है ऐसा करना, कुछ भी बड़ा चढ़ा करके बताना, कुछ भी बड़ा चढ़ा करके बोलना. उसने क्या किया, अपनी कॉन्वर्सेशंस को शॉर्ट रखा, अपनी कॉन्वर्सेशंस को टू द पॉइंट रखा, प्रिसाइज रखा. हमने कहा तो चेयरमैन डिड नॉट लाइक टू ब्लोविएट. हम ये नहीं कह रहे दैट चेयरमैन ने ब्लोविएट किया, हम कह रहे हैं चेयरमैन को ब्लोविएट करना पसंद नहीं था. तो हमने कहा चेयरमैन को ब्लोविएट करना पसंद नहीं था, मतलब उसको डीग मारना, बड़ा चढ़ा के बात करना पसंद नहीं था. तो आंसर क्या आया, आंसर हमारा आस्क है क्या, रन है क्या, प्रिवेंट है क्या, नहीं. हमारा आंसर क्या है, रैंट. हमारा आंसर क्या है, रैंट. तो रैंट का मतलब मैंने आपको एंगर वाला भी बताया था, अनोइंग वाला भी बताया था. रैंट का मतलब यहाँ पर सिमिलर वर्ड ब्लोविएट है, क्योंकि रैंट का भी मीनिंग बड़ा चढ़ा के किसी को परेशान करने वाला, बोलने वाला होता है. नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ज्यूमेट. कॉन्ज्यूमेट को जरा ऑप्शन में देखिए, सुपर्ब है, इम्प्रैक्टिकल है, रेडी है, फॉरन है. तो शोइंग ग्रेट स्किल एंड फ्लेयर, दैट इज कॉन्ज्यूमेट. आप बहुत अपना स्किल दिखा पा रहे हो, अच्छे से आप दिखा पा रहे हो कि आप एक काम में कितने अच्छे हो. तो कॉन्ज्यूमेट वो वाला मीनिंग देता है जिसका मीनिंग परफेक्शन वाला, मतलब परफेक्ट आ जाएगा, एग्जेम्पलरी आ जाएगा, सुपर्ब आ जाएगा, सुप्रीम आ जाएगा, दैट इज कॉन्ज्यूमेट. तो कॉन्ज्यूमेट का मतलब परफेक्ट. कॉन्ज्यूमेट का मतलब क्या है, परफेक्ट. इसीलिए आउट ऑफ दीज ऑप्शन विच आर देयर ऑन द स्क्रीन आंसर आता है सुपर्ब. तो कॉन्ज्यूमेट का मतलब क्या है, सुपर्ब. माई सिस्टर इज अ कॉन्ज्यूमेट लायर. गलत बात बोल रही हूँ बट गलत एग्जाम्पल के साथ, लेकिन मैंने क्या कहा, माई सिस्टर इज अ कॉन्ज्यूमेट लायर. कैसी लायर, परफेक्ट लायर है, एकदम बढ़िया झूठ बोलती है. शी कैन मेक एनी वन बिलीव प्रैक्टिकली एनी थिंग. वो अपनी किसी भी बात का विश्वास दिला लेती है किसी को भी. हम कह रहे हैं कि अगर वो कुछ भी बोलती है इतने परफेक्ट तरीके से बोलती है, चाहे वो झूठ भी होगा, तो सामने वाला विश्वास कर लेगा. प्रैक्टिकली एनी थिंग दैट मीन्स कुछ भी विश्वास करा लेती किसी भी बात पे. तो कॉन्ज्यूमेट लायर है, इसका मतलब परफेक्ट लायर है. तो अगले वर्ड की तरफ अब बढ़ेंगे, उसका एविसरेट. वर्ड क्या है बच्चों, एविसरेट. एविसरेट के लिए पहले चार ऑप्शन देखिए, एविसरेट के लिए चार ऑप्शन देखिए, प्रे है, गट है, ड्रॉ है, फिनिश है. एविसरेट का मतलब में एविसरेट के अंदर आपको देखना चाहिए कि कुछ बाहर निकालने वाली बात आ रही है, कुछ बाहर निकालने वाली बात आ रही है. हम कुछ एक्सट्रैक्शन वाले वर्ड से मीनिंग जोड़ लेंगे. तो एविसरेट का मतलब होता है डिसएम्बावल करना. डिसएम्बावल करना, किसी पर्सन के अंदर से, किसी एनिमल के अंदर से कुछ बाहर निकाल लेते हैं, तभी तो डिसएम्बावल बोल रहे हैं. तो डिसएम्बावल हम कह रहे हैं, एविसरेट होता है कुछ अंदर से बाहर निकाल रहे हैं किसी पर्सन के अंदर से, किसी एनिमल की बॉडी में से, तो हम उसे एविसरेट कह रहे हैं. उस तरह से अगर ऑप्शन में से देखें तो आंसर गट आ जाएगा. गट का मतलब भी वही होता है, द गोट हैड बीन स्किन्ड एंड नीटली एविसरेटेड. मतलब ऐसा बोलना चाह रहे हैं, गोट के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन द गोट हैड बीन स्किन्ड. अब वो वहां पर स्किन ही उतार ली हुई है, पूरा कह रहे हैं कि पूरे तरीके से क्या कर लिया गया, एविसरेट ही कर लिया गया, बॉडी में से निकाल लिया गया सब कुछ. अब इसको थोड़ा ठीक एग्जाम्पल से आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, अपॉन माई डेथ द हॉस्पिटल विल एविसरेट माई बॉडी एंड ट्रांसप्लांट माई यूजफुल ऑर्गन्स. ये अच्छी बात है कि मेरी डेथ पर हॉस्पिटल वाले क्या करेंगे, हॉस्पिटल क्या करेगा, मेरी बॉडी में से सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन, सारे के सारे ऑर्गन्स को एविसरेट कर लेगा. एविसरेट कर लेगा, निकाल लेगा बॉडी में से और किसी और को निकाल करके दे देगा, मतलब ट्रांसप्लांट कर देगा मेरे यूजफुल ऑर्गन्स को. तो उससे याद रखिएगा, बॉडी में से ऑर्गन्स निकाले, एविसरेट करिए. और वर्ड्स डालते रहेंगे, वीडियोस देखते रहिए. अभी रैप अप कर रहे हैं, थैंक यू.